अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिनटाच का वैलिड क्रिएट करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल अपडेट किया था, बट जो वैलिड क्रिएशन वाला स्टेप था मैं ऑलरेडी वैलिड क्रिएट कर चुका था, और उसकी वजह से वो जो स्टेप था बाईपास हो गया, वो राइड हो गया, और वो एक मेन स्टेप था जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, या दो तीन स्टेप थे, बाकी तो नॉर्मल बिल्कुल आप विड्रा और डिपॉजिट वाला चक्कर है, या उसके बाद आप स्टेकिंग के सेम सिमिलर है, बट जो मेन स्टेप था वो मुझसे मिस हो गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैलिड क्रिएट किया था। तो मैंने अभी डॉल जो स्पेस एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके इसको दोबारा डुप्लीकेट किया है, क्लोन किया है, ताकि मैं दोबारा से लाइव वैलिड क्रिएट कर पाऊँ। मेरा प्लान था कि मैं इसके बाद गागा नोड्स की और उसके बाद शिवारियम की अपडेट दूंगा, क्योंकि गागा नोड्स काफ़ी ज़्यादा एक फेमस या काफ़ी ज़्यादा एक छाया हुआ प्रोजेक्ट चल रहा है फिलहाल, तो उसके बारे में अपडेट देनी थी, बट फिलहाल मैं फिर उसकी वीडियो कल बनाऊंगा। तो अगर हम चेक करें कि आपने वैलिड क्रिएट कैसे करना है, तो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने जाना है वैलिड में। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, बिल्कुल कस्टोडियल वैलिड की तरह। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैलिड था, सीड फ्रेज थी आपके पास, तो यहाँ से आप रीस्टोर कर सकते हैं। ऑफकोर्स रीस्टोर करने के लिए आपको आपकी सीड फ्रेज लगेगी जो न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से, और आपका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड भी चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपने अपना पासवर्ड कहीं राइट करना है, ताकि आप इसको भूल ना पाएँ। जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, जितने भी फंक्शन होंगे, इसकी एक्टिविटी रहेगी, सबके लिए आपको चाहिए होगा पासवर्ड। एंड ऑफकोर्स अगर आपकी डिवाइस लॉस हो गई, किसी का मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल ख़राब हो गया, और आप दूसरे मोबाइल में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए। तो क्रिएट वैलेट में आपने जाना है। यहाँ पर आपको अपनी वैलेट आईडी चाहिए। तो वैलेट आईडी आपने क्रिएट कैसे करनी है, यहाँ पर देखें ऑलरेडी ऑप्शन है क्रिएट योर वैलेट आईडी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये मुझे बोलेगा कि आपको किस बंदे ने रेफ़र किया है, रेफरल की आईडी डालें। तो वो आईडी मैंने ऑलरेडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आपने वो वाली आईडी यहाँ पर पेस्ट करनी है। मैं ऑलरेडी कॉपीड किया हूँ उसको, मैं कॉपी करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट वैलेट आईडी करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर देखें क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये जो डाउन वाली है, ये वाली देखें, ये वाली मेरी न्यू आईडी है कि जो मैंने अभी क्रिएट की है। ये मेरा रेफरल लिंक है, वो मैंने यहाँ डाला। यहाँ डालने के बाद प्रेस किया, प्रेस करने के बाद ये देखें ये वैलिड आईडी क्रिएट हो गई। कोई बंदा रीट्राई करना चाहता है तो यहाँ पर सेकंड चल रहे हैं 41 या 1 मिनट के अंदर अंदर आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, बट ऑलरेडी क्रिएट हो गई, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसको दोबारा रीट्राई करने की। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ। वापस जाने के बाद अभी मैंने जो न्यू आईडी क्रिएट की है ना, वो मेरी आईडी है अभी, तो मैं वो यहाँ पर डालूँगा। वो यहाँ पर डाली, डालने के बाद आपने पासवर्ड अपना सेट करना है, और उसके बाद इंटर पासवर्ड अगेन, और उसके बाद आप पासवर्ड की हिंट भी डाल सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह की हिंट डाल सकते हैं कि जो आपके पासवर्ड को रिप्रेजेंट कर रही हो, या उससे मिलती जुलती हो, या वो चीज़ से आपको अपना पासवर्ड याद आ जाए। या जैसे मेरी मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ अपनी बर्थडे, तो मेरी बर्थडे है 15 अप्रैल 1504 94 या 1994। तो मैं यहाँ पर हिंट क्या डाल सकता हूँ, बर्थडे। यहाँ पर सिंपली बर्थडे लिख दूंगा, तो उससे होगा क्या कि अभी मैं पासवर्ड फॉरगेट हो गया, हिंट में सेलेक्ट करूँगा तो हिंट में लिखा आएगा बर्थडे, और मुझे पता मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर मैंने अपनी बर्थडे पासवर्ड लगाया था। तो मैं न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से 1994 डाल सकता हूँ। तो इस तरह आप यहाँ पर कुछ हिंट डाल दें, किसी का फेवरेट सिटी है यहाँ पर सिटी डाल दें, डेट ऑफ बर्थ डाल दें, स्कूल डाल दें, कुछ भी डाल दें, ताकि आपको ये रिमाइंड करे आपका जो वैलेट है वो उसका पासवर्ड के लिए आपको रिमाइंडर हो। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आप लोगों को क्रिएशन था, वो आप करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका वैलेट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी बात, जब आप वैलेट क्रिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको आपकी सीड फ्रेज मिलेगी, आपने उसको न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से लिखना है, और सेम ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क सेम प्रोसीजर है। बट इन केस अगर कोई बंदा उस टाइम पर नहीं लिख पाया और उसने वैलेट क्रिएट कर दिया, तो आप सिंपली अपने वैलेट में आ सकते हैं। वैलेट में आने के बाद यहाँ पर देखें वैलेट मैनेजमेंट का है। वैलेट मैनेजमेंट के जाने के बाद आप यहाँ पर देखें एक्सपोर्ट की है, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा पासवर्ड यहाँ मांग रहा है, और ऑफकोर्स मैं लाइव वीडियो में पासवर्ड नहीं डालूंगा, क्योंकि ये डालने के बाद मेरी जो सीड फ्रेज है वो विजिबल हो जाएगी। तो आपने अपना जो पासवर्ड सेट किया था, यहाँ पर पासवर्ड डालें। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपकी जो सीड फ्रेज है ना, वो आपको शो हो जाएगी, आपने उसको दोबारा राइट करके अपने पास सेव कर लेना है। यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन किधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैलेट आपका लॉग इन है, लेकिन उसके साथ ही एक तरह से आइडल है, स्विच ऑफ है। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बोलेगा कि आप अपना जो पासवर्ड है वो डालें। तो वैलेट क्रिएट करने के बाद इस तरह का वैलेट लगेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कल 2000 से ज़्यादा नियरली आई थिंक 2300 TRX यहाँ पर सेंड किए थे, 2000 मैंने लगा दिए, और नियरली कितने बचे हैं, 302 बच चुके हैं। तो ये किसी को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, या मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो। मैं आपको सिर्फ इसका फिलहाल तरीकाकार जो प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बट ये ओवरऑल मेरी ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है, और चेक करते हैं 2-4 दिन में, 5 दिन में, जब मैं यहाँ से विड्रा लेता हूँ या
जो कैसे स्मूथली ऑपरेट कर रहा है उसकी मैं अपडेट देता रहूँगा, साथ साथ में कोई न्यू अपडेट आती है उसके बारे में भी आप लोगों को बताता रहूँगा। बट ओवरऑल इसका पर्पज़ सिर्फ आप लोगों को वैलिड क्रिएशन का बताना। जो लोग वीडियोस वॉच कर रहे हैं, वीडियोस लाइक कर रहे हैं और वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ मैं आप लोगों का। आई होप कि आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे और मैं ऐसे ही आपको ट्यूटोरियल्स और अपडेट्स देता रहूँगा ऑन टाइम। तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी आपका डाउट आप मेरे व्हाट्सअप पर सेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको ऑन टाइम जब भी मैं फारो हुआ, जब भी मैं फ्री हुआ आप लोगों को मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।